सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बहुत टाइम बाद ट्रैवलिंग वीडियोस हो गई, बहुत सारी वीडियोस होने के बाद आज मैं पर्सनली वीडियो शूट करने आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया है, पर्सनली मैसेज किया है। तो बस उनके लिए मैं कुछ प्यारा सा कंटेंट लेके आई हूँ, उनके लिए कुछ प्यारा सा लेके आई हूँ वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर अपने सजेशन, अपनी सजेशन भी, और अपना अगर आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि मुझे नहीं पता होता, कोई भी इंसान होता है उसको नहीं पता होता है कि वो क्या चीज़ें आपको दिखा रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर मुझे कमेंट डाउन करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या अच्छा कम था, क्या मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो बस सबसे पहले चीज़ तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने 500, आप मेरी 500 फैमिली हो गए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। सच में मैंने आधा टास्क कंप्लीट कर लिया है और आधा कंप्लीट करना है, उसमें भी आप सबका अगर सहयोग रहा तो ज़रूर मैं पूरा करूँगी, मुझे उम्मीद है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फर्स्ट थिंग कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो अगर वीडियो में कोई भी आपके सजेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं वरना वीडियो मेरी लेंथी हो जाएगी। तो मैं आज आपको बता दूँ, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये कुछ ब्लाउज कलेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहे हैं। दिख लीजिए गाइस, एक से एक ब्लाउजेज मेरे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए मैंने अपनी जो कुछ ब्लाउजेस जो अभी रिसेंटली मैंने सिलवाए हैं तो उनका रिव्यू, उनको कैसे मैंने स्टिच करवाया है वो सब मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट करके खुद भी ट्राई कर सकिए, और प्लीज़ किया करिए गाइस, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, तो मैं तो करती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करिए। अगर आपको मेरा कोई भी ब्लाउज पसंद आता है तो उसको स्क्रीन शॉट करके आप भी वैसा बनवा सकते हो। सो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ब्लाउजेस को का कलेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ब्लाउज जो कि है मेरा ये ब्लू कलर, जो मैंने ब्लाउजेस पहने हुए हैं उनका अगर मुझे फोटोज मिली कहीं तो इधर साइड में इंसर्ट करती जाऊंगी, तो आप लोग प्रॉपर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा ये मैंने पिछली दिवाली अब की बार दिवाली पे पहना था ये साड़ी, ये ब्लाउज जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहा है। सच में इसको बहुत लोगों ने प्यार किया, बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये दी आपका ब्लाउज मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत लोगों ने मुझे उसे लिया भी कि मैं भी ऐसा ब्लाउज बनवाऊंगी, तो उसके लिए सो ये पहले बात ना करके ये देखिए। आप लोग अब तक तो जानते ही होंगे, अगर आप मेरा पहले इसके पहले का जो फर्स्ट पार्ट मैंने ब्लाउज कलेक्शन का डाला अगर वो नहीं देखा है तो वो भी मैं यहाँ कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाइएगा, फर्स्ट कलेक्शन भी देखिएगा, बहुत अच्छा ब्लाउज का कलेक्शन है, अच्छे खासे व्यूज भी गए हैं, जिससे मैं मोटिवेट होकर ये सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ सच में। तो ये आपको इतना तो पता होगा मेरे ब्लाउजेस के टेस्ट में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे बोट नेक के ब्लाउजेस बहुत पसंद है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। इसकी जो स्लीव्स की बात करें तो मेरे सबसे ज़्यादा ये सिल्क की साड़ी है, और सिल्क के ब्लाउजेस के साथ मैं बहुत कम तामझाम करती हूँ, ये मेरा इसमें मेरे ख्याल से सिल्क की साड़ी में पहला ब्लाउज होगा जिसमें मैंने इतना तामझाम किया है, बट ये ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत प्यारा, पहनने भी बहुत प्यारा लग रहा है, मैं कहीं इंसर्ट कर दूँगी फोटो आप देखिएगा। थोड़ा सा हल्का सा पफ स्लीव्स में है, और ऐसे मेरे 1/4 स्लीव्स में, ज़्यादातर 1/4 स्लीव्स ही पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे थोड़े से पतले से हाथ होते हैं तो वो जाके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और ये जो मैंने वेयर किया है ये टॉप है, इसका वो मैंने कई साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच किया है जो कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो ये टॉप है। सो इसकी बात करते हैं, इसकी डिटेलिंग की, ये 1/4 स्लीव्स है, ये कुछ इस तरह से है। इसका बैक का देखिए आप, ये घर के जैसा बनवाया है मैंने, स्क्वायर में
ऐसे करके घर के जैसा। यहाँ पे मुझे पिंक कलर के टैसल्स लगवाने थे बट नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे, मुझे अर्जेंट था तो इस कलर के लगे, कोई नहीं चलता है। और ये ऐसे तो बस बॉर्डर नीचे है यहाँ पे और ऐसे, और ये पैडेड ब्लाउज है। यस गाइस, ये पैडेड है, यहाँ पे पैडेड ब्लाउज है और ये साइड से ओपन है, ये देखिए साइड से ओपन, साइड से आप ओपन करके, मेरे मोस्टली ब्लाउजेस साइड से ही ओपन है, आप लोग जानते होंगे, जिस जो कोई मुझे मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा या फिर जो कोई मुझे जानता है वो जानता होगा कि मेरे साइड से ही ओपन होते ब्लाउज। सो गाइज, ये था मेरा फर्स्ट ब्लाउज, अगर आप लोग अपने स्क्रीनशॉट नहीं किया तो कर सकते हैं। टॉप लुक में ब्लाउज है, ये साड़ी मुझे गिफ्टेड है, मेरी मासी जी ने दी थी, मतलब मासी सास ने दी थी, जो कि बहुत प्यारी है, बिकॉज कॉटन की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, कॉटन की साड़ी है, उसका ब्लाउज है, बहुत मैंने मुझे बहुत प्यारी लगी है साड़ी, मैंने बहुत पहनी भी है इस बार। ये इसकी स्लीव्स है और देखिएगी, ये जो स्लीव्स में मैंने 1/4 स्लीव्स कुछ नहीं करवाया, सिंपल से स्लीव्स हैं, और जो ये मैंने क्या बोलेंगे इसको, राउंड राउंड जो भी बोलते हैं वो, आप ये मैंने बनवाए हैं, मैंने स्पेशली बोला था मुझे ऐसे बटन चाहिए, ऐसे पोटली बटन चाहिए, कुछ तो पोटली बटन बोलते हैं हम, जो जानते हैं वो बता रहे हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जो कि साड़ी को ना एकदम चार चांद लगा रहा था पहनने के बाद इस ब्लाउज को। टॉप लुक में ही ब्लाउज होते हैं, ये देखिए तो हल्का सा मतलब बोटने का पूरा ब्लाउज मेरा आगे से पीछे ऐसे है और फ्रंट का ऐसे है, फ्रंट में जो ये चीज है ये मेरा टॉप लुक का है, मतलब ऐसे ही ब्लाउजेस मुझे पसंद आते हैं। और मेरी आई गेस ब्लाउजेस की लेंथ बहुत अच्छी खासी होती है, मुझे छोटे लेंथ के ब्लाउजेस बिल्कुल नहीं पसंद आते। इसको भी मैंने साइड से ओपन करवाया है, जिप लगवाई है इसमें, ये पैडेड नहीं है बिकॉज पूरा पैक ब्लाउज है, तो इसको मुझे पैडेड करवाने की जरूरत नहीं थी, ये पैडेड नहीं है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल और बहुत प्यारा है सच में। मैं फोटो कहीं इंसर्ट कर दूंगी, आप देखिएगा, ये देखिए येलो कलर की इसमें पैकिंग लगवाई, बहुत प्यारा लग रहा है। ध्याना में बनवाया था, अपनी मौसी के यहाँ शादी में गए थे, तुरंत मुझे मिला था बिकॉज उसके बाद एक बैक टू बैक शादियाँ थी तो मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने वहीं पे बनवाया था। ये भी साड़ी मेरी गिफ्टेड है, मेरी ननद के यहाँ से आई थी शादी में, तो ये मैंने बहुत सिंपल सा ब्लाउज बनवाया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसका जो बॉर्डर था ये मैंने बैक में करवा दिया, ये बैक में वी नेक बनवा दिया था, बहुत छोटे, मुझे ज़्यादा डीप, या तो डीप होंगे तो पैडेड ब्लाउज होंगे और डीप नहीं होंगे तो ऐसे ही होंगे नॉर्मल से। ये बहुत सिंपल ब्लाउज है लेकिन साड़ी बहुत खूबसूरत है, इसका भी कहीं इंसर्ट कर दूंगी आप लोग अच्छी से। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आपका फेवरेट कौन सा ब्लाउज है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लाउज जो कि है ब्लैक कलर का, यस, और इस बार मैंने बड़ा डीप सा नेक बनवाया गाइस, ये देखिए, इसको भी मैंने पहनना है बट इसकी फोटो शायद ना हो, तो आप लोग प्लीज इसके शॉट कर लीजिएगा ऐसे ही। ये भी टॉप लुक में है, बहुत सिंपल ब्लाउज, मैंने इसको भी बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ इसकी जो बलून स्लीव्स चल रही हैं आजकल बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, इसकी वैसे ही स्लीव्स है, बिल्कुल नो, कोई पाइपिंग नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई कुछ भी, मैंने कोई लेसेस नहीं, बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज बनवाया है, बस बलून स्लीव्स की पहनने के बाद पहले बहुत प्यारा लग रहा था, इसकी बलून स्लीव्स होगी ऐसे, ये ऐसे फुल नहीं है यहाँ तक है, तो बहुत प्यारी लग रही थी, सिर्फ ढीली ढीली सी स्लीव, इसका बैग जो है ना बहुत सुंदर है, ये इसका बैग, मैंने सही से ये इसका बैक है, बस ऐसे ही दो ऊपर एक नीचे, दो ही वो लगी हुई है, जो बहुत बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा था पहनने में, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी साइड से ओपन है, इसको भी साइड से ओपन करके पहनते हैं, पैडेड ब्लाउज है बिकॉज पीछे बहुत ज्यादा मैंने इसको ओपन करवाया है, तो खुला खुला सा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इस ब्लाउज की खासियत ये है कि इसको मैं कई साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकती हूँ, कि बहुत अच्छा लगा। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लाउज, ये ब्लाउज भी गाइस अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है सीरियसली, और आपको तो पता होगा मेरे ब्लाउजेस जो सिलती हैं वो मेरी फ्रेंड है, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी, तो ये सारे ब्लाउजेस उनके सिले हैं, इसमें से एक दो ब्लाउज
बाहर के सिले, अदरवाइज मेरे उन्हीं के पास मायके जाते हो तो मैं उनसे जरूर ब्लाउज सिलवाती हूँ, बिकॉज मुझे उनका ब्लाउज सिलना मुझे बहुत पसंद आता है, उनके जैसा मेरे लिए कोई नहीं सिल पाता है। तो सबसे पहले ये ब्लाउज इसका आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद आने वाला, मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। ये ऐसे है इसका बैक, देखिए बैक ऐसे है, इसमें ऐसे ना क्यूट से टेसल्स लगे हुए नीचे, पूरा ब्लाउज ये पीछे से ही ओपन अप है और यहाँ से खोल के इसको सारी इसकी जो है टेसल्स, बस ये लास्ट में यहाँ पे मैंने बंधवाया, मतलब डोरी लगवाई है जो कि ये पूरे पूरे ब्लाउज को सपोर्ट कर रहा है, और जब ये पहनो तो ये चिपक के बैठता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी पैडेड है बिकॉज डीप है बहुत ज़्यादा, तो ये भी पैडेड है। इसकी जो स्लीव्स की बात करें ना सारी, सच में मुझे 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 पर्सनली बहुत पसंद आई ये स्लीव्स, बहुत ज़्यादा पहनने पे, कहीं इंसर्ट जरूर कर दूँगी अगर मुझे फोटोज मिली तो मेरी ऐसे, जस्ट लाइक कुछ इसी टाइप की हैं बट ऐसी नहीं है, बट इससे भी खूबसूरत पीस की स्लीव्स है जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखने पे नहीं समझ में आएगा, मैं इसका जरूर से लगाऊंगी, आप लोग फोटोज देखिएगा। और इसको मैंने कई साड़ी के साथ, येल्लो साड़ी के साथ भी मिक्स मैच किया है, आई गेस उसके साथ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो ये था मेरा अब तक में जो ब्लाउज आपको फेवरेट रहा है उसको कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। और एक ये अभी तक मैंने साड़ी वेयर नहीं की है, बस अपने मायके से इसको भी बनवा के आ गई ताकि मुझे टेंशन न रहे। तो ये साड़ी मुझे मिली है इस बार जब मैं अपने घर गई हूँ तो मेरे मम्मा पापा की तरफ से, मेरे मतलब मायके से मिली है, जो कि बहुत प्यारी साड़ी है, पहनने पे बहुत ज़बरदस्त लगी। इस बार मैंने कुछ हल्की साड़ी नहीं ली, कुछ हैवी साड़ी ली है, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ तो मैं हमेशा कॉटन की सिल्क की ऐसी साड़ियाँ पसंद करती हूँ, तो फिर मैं बाद में मुझे सोचना पड़ता है कि मेरे पास हैवी साड़ियाँ कम हो गई हैं, तो इसके लिए इस बार मैंने हैवी ली है, थोड़ी थोड़ी सी हैवी है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो थोड़ी सी हैवी, पर बहुत प्यारी साड़ी है, रानी कलर है। आई डोंट नो कैमरे में एक्चुअल कलर इसका नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही कुछ हैवी सा था तो मैंने इसको आगे का वैसे ही करवाया, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस लग रही ये चीज़ कमर पे। इसका जो बैक है ना सच में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था पहनने पे, बस मैंने ट्राई किया है, अभी साड़ी के साथ पेयर अप नहीं किया है, इसकी फोटोज नहीं मिल पाएगी, अभी मैंने इसको पेयर किया। ये छल्ले वाला आजकल बहुत चल रहा था तो मेरा भी बड़ा मन था, तो बस इसको मैंने वी नेक में ऐसे ही करवा दिया, सिंपल प्यारा सा लग रहा था गाइस, सच बता रहा मुझे बहुत प्यारा लगा। और जो इसकी स्लीव्स है ये यहाँ पे वर्क था, जो ये लेस है एक्स्ट्रा लगवाई गई है, तो ये जो स्लीव्स है इसकी कुछ ऐसी है, मतलब हल्का सा पफ होके और जाके सिमट जा रही है, तो वो पहनने पे एक्चुअल बता रहे हैं हम आपको, एक्चुअली पहनने पे इनका लुक समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा, पहनने पे ही आ रहा है समझ में ऐसे। अगर आपने इसका स्क्रीन शॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत खूबसूरत ब्लाउज है। ये साड़ी पहनने के बाद चार चांद लगाने वाली, आप लोग जरूर पूछोगे। तो ये मेरी साड़ी ऑफलाइन है, मोस्टली सारी साड़ियाँ ऑफलाइन है, सिर्फ एक साड़ी ऑनलाइन थी जो कि ये मैंने फर्स्ट ब्लाउज दिखाया है, ये साड़ी ऑनलाइन बहुत प्यारा ब्लाउज है गाइस, इतना बता रहे हैं। और एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट है, ये ब्लाउज नहीं है ये टॉप है, इसको मैंने कई बार ब्लैक साड़ी के साथ, रेड साड़ी के साथ, कॉटन की साड़ियों के साथ ज़्यादा पेयर अप किया है, ठंडी में कुछ या फिर ठंड के मौसम में मैंने कोई लुक क्रिएट किया है, आई गेस विंटर में साड़ी हाईनेक के साथ कैसे पेयर अप करें, तो उसके साथ भी मैंने यूज़ किया। बहुत सारे लोगों को लगता है ये ब्लाउज है, लेकिन नहीं ये ब्लाउज नहीं है, एज टॉप है जिसको मैं एज अ ब्लाउज यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आप जानते ही हो मुझे मिक्स एंड मैच करके पहनना चीज़ें बहुत पसंद है। और एक और ये क्रॉप टॉप है रेड कलर का, इसको भी मैं हाईनेक, जैसे कभी कभी मन करता है ना हाईनेक बंद बोट हाईनेक नेक का पहनने का बंद सा, तो मैं ये क्रॉप टॉप को भी, एक क्रॉप टॉप है गाइस, इसको भी बहुत सारे लोग मैं पहनती हूँ तो ब्लाउज समझ के कई लोगों ने मुझसे कमेंट में नहीं पर्सनली मैसेज करके पूछा था, दी ये जो आपने पहना है क्या ये ब्लाउज है ये कैसे है, तो इसको आप बताइए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये
क्रॉप टॉप है, इसको एज अ ब्लाउज में कॉटन की साड़ी के साथ ज़्यादा वेयर किया है मैंने। हाँ, अगर कहीं मिलेगा तो मैं इधर सर्च कर दूँगी पिक, जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ। सो बस यही कुछ मेरे ब्लाउज कलेक्शन थे जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनवाए हैं। कई सारे अभी रखे हुए हैं। अगर आप इसको ढेर सारा प्यार दोगे, ढेर सारा सपोर्ट करोगे, तो एक और पार्ट लेके आएंगे। ये पार्ट टू है इसका। पार्ट वन जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जरूर जाइएगा उसको जरूर से जरूर। उसके भी वो जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, वो भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा है। मैंने ब्लाउज कलेक्शन फर्स्ट टाइम डाला था जब मुझे वीडियो शूट करना बिल्कुल भी नहीं आता था, उसका अच्छा खासा रिस्पांस मिला है मुझे। उसी से मोटिवेट होकर मैं ये सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इसके बाद आप कॉमेंट में जाके कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हो, किस मतलब मैं कैसी वीडियो शूट करूँ जो आप लोग ज़्यादा प्यार दोगे, जिस वीडियो को आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करोगे। प्लीज़ 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 गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। प्लीज़ फुल वॉच किया करो वीडियोज़ को और ऐसे ही प्यार अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ज़्यादा बातें नहीं करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।